गुड मॉर्निंग क्लास वन, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर 9, गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। देखो आज हम डिस्कस करेंगे गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। गुड मैनर्स हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। वी लर्न गुड मैनर्स एंड हैबिट्स फ्रॉम अवर टीचर्स एंड एल्डर्स। गुड मैनर्स और अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स हम किन से सीखते हैं? हमारी टीचर्स से और एल्डर्स यानी हमारे जो बड़े लोग हैं घर में उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखो गुड मैनर्स कौन से होते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो क्या बोलते हैं? सॉरी। रात को सोने से पहले गुड नाइट। और अगर किसी से हमें कुछ चीज़ लेनी हो तो बोलते हैं प्लीज़। और किसी ने हमें कुछ चीज़ दी हो उसे वापस लौटाते टाइम बोलते हैं थैंक यू, ठीक है। तो आगे देखो इसी तरह, यूज़ द पोलाइट वर्ड्स टू कम्प्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दी हुई हैं और इनको आपको कम्प्लीट करना है। ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो देखो, से यहाँ पर आएगा गुड मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, ठीक है। जब आप सुबह उठते हो तो क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है से, ब्लैंक स्पेस में आएगा गुड नाइट व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट। रात में सोते टाइम आप लोग क्या बोलते हैं? गुड नाइट। आगे देखिए, थर्ड है से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग। आप कभी किसी से कुछ लेते हो तो क्या बोलते हो? थैंक यू। नेक्स्ट आता है से प्लीज़ व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग, ठीक है। किसी से कुछ मांगते समय या पूछते समय क्या बोलते हैं? प्लीज़। क्लियर है सबको? और आगे देखिए, यहाँ पर आता है, आगे देखिए यहाँ पर आएगा से सॉरी, से सॉरी व्हेन यू हर्ट समबडी। अगर तुम किसी को हर्ट करते हो तो क्या बोलते हो? सॉरी, ठीक है। आगे देखो, टू बी गुड मैनर्ड वी शुड प्रैक्टिस द फॉलोइंग गुड हैबिट्स, ठीक है। गुड मैनर हमें सीखने चाहिए और इनकी इनको फॉलो भी करना चाहिए। अब क्या क्या गुड हैबिट्स होती हैं? ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड टीचर्स। हमारे जो टीचर्स हैं और जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम, हमेशा स्कूल टाइम पर पहुँचना चाहिए। ऑलवेज कीप थिंग्स इन द राइट प्लेस, सभी थिंग्स जो हमारे रूम में होती हैं या स्कूल में होती हैं उन्हें हमेशा सही प्लेस पर, सही जगह पर रखना चाहिए। नेवर टीज एनीबडी, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ऑलवेज बी पोलाइट टू एवरीवन, और सभी के लिए पोलाइट यानी नम्र रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्लास, यहाँ पर जो अपना 9th चैप्टर है उसकी रीडिंग कम्प्लीट होती है। एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ़।